लड़की ने अभी अपनी हाई हील्स उतारी थी, उसकी लंबी टांगें तुरंत मोटी हो गईं और अगले ही पल पूरी तरह से छोटी मोटी बन गई। दरअसल स्नो व्हाइट एक मोटी थी क्योंकि उसने लाल रंग की हाई हील्स पहनी थी, इसलिए वह खूबसूरत बन गई। ठीक अपने 18वें जन्मदिन पर सैनिकों ने एक चुड़ैल को पकड़ लिया। राजा को चुड़ैल की खूबसूरती ने आकर्षित किया, इसलिए उसने चुड़ैल से शादी कर ली। लेकिन जल्दी महल के लोग एक के बाद एक गायब होने लगे और अंत में केवल राजा और स्नो व्हाइट ही बचे। जब तक राजा ने चुड़ैल की साजिश को नहीं पकड़ा और उसे बचाने के लिए चुड़ैल को मार डाला, लेकिन चुड़ैल की मौत के बाद केवल 3 लोग ही बचे थे। राजा ने अपनी बेटी को महल से बाहर भेज दिया। इसके बाद महल खंडहर बन गया, चुड़ैल यहाँ की मालिक बन गई और वह विचित्र बड़ा पेड़ फल लेने लगा। फिर एक से एक हाई हील में बदल गया, चुड़ैल ने उसे पहन लिया। इसे पहनने के बाद तुरंत युवावस्था में वापसी होने लगी। जादू के गायब होने के साथ ही चुड़ैल ने हार मान ली और उस दिन स्नो व्हाइट ने फिर से महल में प्रवेश किया। अपने पिता की वसीयत को खोजने और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश में उसने अनजाने में एक सेब के पेड़ को खोज निकाला, फिर सेब को तोड़ लिया। इस समय चुड़ैल महल में वापस आ गई। इस चमकदार प्रकाश ने चुड़ैल को अपनी आंखें खोलने में असमर्थ बना दिया। ये वो समय था जब स्नो व्हाइट ने अपने जूते पहन लिए थे और एक खूबसूरत महिला में बदल गई थी। स्नो व्हाइट ने महल दरवाजे से चालाकी से बचेगा, झाड़ू पर सवार होकर महल छोड़ दिया। यह उन 7 बौनों की वापसी का रास्ता था जो एक बार वीर और आकर्षक राजकुमार थे, जो एक बार फिर से रोमांच पर निकले थे। उन्होंने ड्रैगन को हराया और राजकुमारी को बचाया, लेकिन राजकुमारी का चेहरा देखकर उन्हें लगा कि वे एक चुड़ैल को बचा लाए हैं, इसलिए उन्होंने उस पर हमला किया और राजकुमारी ने क्रोध में आकर उन पर श्राप लगा दिया। उन्हें हरे और बदसूरत बौनों में बदल दिया। जब कोई उन्हें देखेगा तो वे बौने बन जाएंगे। और श्राप को तोड़ने का उपाय, जैसे ही सबसे सुंदर महिला का चुंबन प्राप्त करना है। लेकिन जब वे घर वापस आए तो पेड़ पर एक झाड़ू लगी मिली। बौने सोचे कि चोरी हो गई और हथियारों से लैस होकर दरवाजा खोला, लेकिन अगले ही पल बौने तुरंत स्नो व्हाइट की सुंदरता में खो गए और फैसला किया कि वह सबसे सुंदर महिला है। उन्होंने श्राप को तोड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू किया। उनमें से कुछ ने स्नो व्हाइट का दिल जीतने के लिए उसके पेट को पकड़ने की कोशिश की। हम कुछ ने बड़े हीरे की अंगूठी दी, लेकिन स्नो व्हाइट इन सब में रुचि नहीं ले रही थी। वह केवल अपने पिता को जल्द से जल्द खोजने का एकमात्र तरीका 7 वीरों को खोजना था, पर बर्फीली को कभी नहीं लगा था कि ये बदसूरत और हरे बौने ही शापित 7 वीर हैं। यही एक रास्ता था। सफेद बर्फ में उसने अचानक अपने पिता की छाया देखी और उसका अनुसरण किया, लेकिन वह एक लकड़ी का खरगोश निकला। बड़ा डरावना लकड़ी का खरगोश, तुम अच्छे खरगोश हो, तुम शाकाहारी खरगोश। इसी समय जियागे ने दिखाई देकर बर्फ को बचाया और दोनों जान बचाने के लिए भागने लगे। जब तक बर्फ जियागे को नहीं देखती, वह एक आकर्षक राजकुमार में बदल जाता है। जब वह मुड़कर देखती है, काजा फिर से बौना बन गया। खरगोश अभी भी पीछा कर रहा था। काजा ने बर्फीली को भागने को कहा, किसी भी हालत में पीछे मत देखना। फिर काजा राजकुमार बन गया, शानदार प्रदर्शन की तैयारी में। लेकिन बर्फीली ने फिर से हस्तक्षेप किया। लकड़ी के खरगोश ने ध्यान खींचा, पर जल्दी ही काजा फिर से बौने में बदल गया। सफेद बर्फ का पीछा एक लकड़ी के खरगोश ने मृत्यु की ओर किया, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचाई। इसी समय एक अन्य राजकुमार छलांग लगाकर नीचे आया। उसके बाद खरगोश अपने आप को ठोकर मारकर बेहोश हो गया और अन्य छोटे बौनों ने उसे घर वापस ले लिया। अगले दिन सुबह बौने बर्फ के साथ शहर में उसके पिता की तलाश में निकले, ये कहते हुए कि सुंदरता हमेशा अपनी विशेषता लेकर आती है। शहर में प्रवेश करते ही बाई श्वेता ने कारीगरों से गलती करा दी, पर उसे देखते ही उनका चेहरा बदल गया। इसकी चिंता मत करो। ची ची। हाय। यही नहीं, वह मुफ्त का खाना भी पा सकता था। सभी मालिकों ने उसे उपहार दिए, यहाँ तक कि शादी का प्रस्ताव देने वाला आदमी भी बर्फीली के दिल तक पहुँच गया। बर्फीली सर से घूरते हुए हर कोई उसकी खूबसूरती में खो जाता था। ढूंढते ढूंढते बर्फीली को अचानक पता चला कि वो वांछित है। उस समय दो सैनिकों ने उसे देख लिया और एक बंद गली में घेर लिया। जब सब कुछ असाध्य प्रतीत हो रहा था, सफेद बर्फ ने देखा कि आईने में उसका प्रतिबिंब सक्रिय हो गया है। इसके बाद सैनिकों को लगा कि वो दर्पण के पीछे छिपा है, लेकिन वहां एक छोटी मोटी लकड़ी थी। बर्फीली उन्हें नहीं मिली, इसलिए उन्हें गुस्से में जाना पड़ा। बर्फीली ने अपने जूते उतार दिए और अपना असली रूप वापस पा लिया। दुर्भाग्य से उस समय एक और समूह के सैनिकों ने उसके जूते ले लिए। वे बर्फीली के साथ मजाक करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बर्फीली भी आसान नहीं थी। हालांकि वो भी कोने में धकेली गई थी। उसी समय जिया बदल निकलना चाहिए। नायक ने सुंदरी को बचाया और उसके जूते वापस कर दिए, लेकिन जिया ने नहीं पहचाना कि सामने का मोटा उसकी देवी है। ये सहायता पूरी तरह से अच्छी भावना से की गई थी। बर्फानी की मदद करने के बाद जिया गो चले गए और बर्फानी ने अपने जूते पहने और फिर से देवी बन गई। लेकिन अभी भी उन दो सैनिकों से फिर मिलने पर जिया एक खरगोश पर सवार होकर बाई श्याओ को शहर से दूर एक छोटी नदी के पास ले गया। जिया के द्वारा दो बार बचाए जाने से भी बाई श्याओ को उससे प्यार हो गया था। सूरज ढलने की लालिमा में दोनों साथ में आराम से बैठे थे। जब जियागे को लगा कि उसने श्राप को हटा दिया है, तभी बर्फीली ने अपनी आंखें खोली और जियागे अभी भी बौने की तरह दिखाई दे रहे थे। ये सब यहाँ हुआ। इसी समय जंगल में फिर से एक राक्षस दिखाई दिया और फिर से हमला किया। दोनों को डर के मारे भागना पड़ा। अचानक एक विशाल पत्थर गिरा और दोनों बाल बाल बचे। राक्षस लगातार पत्थर फेंक रहा था। बर्फानी को जल्दी से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा गया। वह बहुत करीब था, मुझे मत देखो। तुम उस पेड़ को फूल के पास देख रहे हो? हाँ, मेरे संकेत पर उसकी ओर भागो और तेजी से भागो। मैं वादा करता हूँ तुम नहीं देखोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। बर्फानी के जाने के बाद जियागो खड़े होकर आसानी से दो राक्षसों को हरा देते हैं और अंतिम एक बर्फानी की ओर दौड़ता है। आपका स्वागत है।